हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जो पढ़ा था हमने सुप्रीमम एंड इन्फिमम की डेफिनेशंस, और साथ में लोअर बाउंड, अपर बाउंड, ये सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि सुप्रीमम एंड इन्फिमम से रिलेटेड है, वो है कंसिडर अ नॉन एम्प्टी सेट एस, सबसेट ऑफ आर स्टार, पिक सम पॉइंट पी इन एस, कोई पॉइंट पी लीजिए इन एस में, देन एनी लोअर बाउंड ऑफ एस इज, तब उसका कोई भी लोअर बाउंड जो होगा वो लेस देन पी होगा और अपर बाउंड जो होगा वो ग्रेटर देन पी होगा। तो इसका डिसर हम कह सकते हैं एनी लोअर बाउंड जो है ऑफ एस इज लेस देन पी एंड एनी अपर बाउंड जो है वो ग्रेटर देन पी होगा। तो ये हो गया हमारे पास। अब इन पर्टिकुलर अगर देखें तो द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस, द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस जो होगा यानी हाईएस्ट जो लोअर बाउंड है वो जो है वो पी के हर एलिमेंट से छोटा या बड़ा होगा। और अगर इसी तरह से सपोज यहाँ पे हमारे पास हम इसको ले लेते हैं स्मॉल एन और इसको ले लेते हैं कैपिटल एन, और लीस्ट अपर बाउंड जो है, लीस्ट अपर बाउंड है वो उससे छोटे भी होंगे। तो ये हमारे पास ये हो गया। अब चूंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है इन्फीमम और लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, सुप्रीमम। तो सुप्रीमम और इन्फीमम, तो सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम से पी जो है वो लेस देन एंड यहाँ पे पी जो है ग्रेटर होगा इन्फीमम से और लेस देन होगा सुप्रीमम से। फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू एस, ये हो गया हमारे पास। इफ एस कंटेन जस्ट वन एलिमेंट, अगर उस कंडीशन में कई बार हमारे पास ऐसा जाता है कि एस जो है वो ओनली एक एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में उसमें एक एलिमेंट है तो उस कंडीशन में इन्फीमम जो होगा वो भी वही एलिमेंट होगा। सपोज कि थ्री एक एलिमेंट है, एक सेट है एस बराबर जिसमें ओनली एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट है थ्री, तो उस कंडीशन में इसके अगर पहले हम लोअर बाउंड की बात करें तो लोअर बाउंड क्या होंगे, वन टू और थ्री, यानी इससे जो भी छोटे, थ्री से जो भी छोटे नंबर्स हैं रियल लाइन पे, जो भी थ्री 2.5, थ्री 2.9, इस तरह से सारे एलिमेंट। और अपर बाउंड की बात करें तो थ्री 3.3, 3.1, 3.001, इस तरह से 4, 5, 6 सारे जो हैं वो इसके अपर बाउंड होंगे। अब हम इन्फिमम की बात करेंगे तो इन्फिमम क्या होता है, इन्फिमम जो होता है हाईएस्ट लोअर बाउंड। तो हाईएस्ट लोअर बाउंड क्या है इसका, थ्री, और लोएस्ट लोएस्ट अपर बाउंड क्या है वो भी थ्री। तो इन्फिमम अगर कोई सेट एक सिंगलटन सेट है, कई बार इसको सिंगलटन सेट भी कहते हैं, ऐसा ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, और सिंगलटन सेट का सुप्रीमम भी वही एलिमेंट होता है और इन्फिमम भी वही एलिमेंट होता है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। ऑन द अदर हैंड अगर देखें तो इन्फिमम जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा सुप्रीमम ऑफ एस, ये कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन्फिमम जो है, क्योंकि इन्फिमम यहाँ पे थ्री से सारे छोटे एलिमेंट है और सुप्रीमम जो है वो थ्री, तो इन्फिमम जो है लेस देन और एस, इन्फिमम लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस इफ एस कंटेन मोर देन वन एलिमेंट। तो यहाँ से एक रिलेशन निकला, अगर हमारे पास इन्फिमम इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एस ये है तो उस कंडीशन में वो हमारे पास सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट यानी उस एस सेट का सिर्फ एक एलिमेंट है। बट अगर इन्फिमम ऑफ एस इज लेस देन सुप्रीमम ऑफ एस यानी इक्वल का साइन नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारे पास मोर देन वन एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट इन इन एस, तो एस में एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे। ये हो गया हमारे पास, ये एक रिलेशन हो गया। उसके बाद एवरी अपर बाउंड ऑफ ए इज अ अपर बाउंड ऑफ बी, ये हमारे पास, दस एवरीथिंग इन बी इज ऑल्सो, ये हमारे पास एक कंसीडर करने के लिए, हमारे पास कंसीडर करना है, हमारे पास कंसीडर एक अदर सिचुएशन है जहाँ पे बी जो है सबसेट ए है और ए जो है सबसेट ऑफ आर स्टार। तो उस कंडीशन में बी जो है
वो ए का सबसेट है, एनी अपर बाउंड ऑफ ए, ए का हर अपर बाउंड जो होगा, ए का हर अपर बाउंड जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ऑल एलिमेंट ऑफ ए, हेंस यहाँ से ऑल एलिमेंट ऑफ बी के। ये तो या के यहाँ पर अगर हम बात करें, सपोज कि इस तरह से बात कर लेते हैं, एक रियल लाइन है, ये एक सेट है ए और इसके अंदर एक सेट है बी। तो उस कंडीशन में अगर हम ए के अगर हम लोअर बाउंड्स की बात करें, तो ए के लोअर बाउंड्स जो है वो बी के भी लोअर बाउंड्स हैं। अगर ए के अपर बाउंड्स की बात करें तो वो बी के भी अपर बाउंड्स हैं। बट अगर इसके कॉन्ट्राडिक्ट करें हम कि ए के अपर बाउंड, सॉरी ए के अगर लोअर बाउंड बात करें तो जरूरी नहीं है कि वो, सॉरी बी के अगर लोअर बाउंड की बात करें तो वो जरूरी नहीं है कि ए का लोअर बाउंड हो। इसी तरह से अगर बी के अपर बाउंड की बात करें तो जरूरी नहीं है कि वो ए का भी अपर बाउंड हो। तो यहाँ से हमारे पास कुछ रिलेशन आ चुके हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आ चुके हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कई बार पूछे जाते हैं। इन अदर वर्ड्स जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो सुप्रीमम ऑफ एस की बात करें, सुप्रीमम ऑफ बी जो होगा, सुप्रीमम ऑफ बी जो होगा वो यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, और यहाँ पे अगर सुप्रीमम की बात करें तो लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए, क्योंकि वो कोई यहाँ पे एलिमेंट होगा। और इन्फिमम की बात करें तो इन्फिमम का बी का इन्फिमम यहाँ होगा, ए का इन्फिमम यहाँ होगा, तो इन्फिमम ऑफ बी एंड यहाँ इन्फिमम ऑफ ए। अब इनमें से बड़ा कौन सा है, तो बड़ा यहाँ पे डेफिनेटली ये बड़ा है, तो ग्रेटर देन इधर का साइन आएगा। तो इस तरह से ये एक कंडीशन है हमारे पास, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से भी इसको दिखा सकते हैं। तो सुप्रीमम और इन्फिमम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं, वो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमने इस वीडियो में पढ़े थे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे जिसमें हम नेबरहुड, ओपन सेट एंड क्लोज सेट्स के बारे में चर्चा करेंगे।